प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हिरबा मोदी का 18 जून को जन्मदिन है। इसके साथ ही हिरबा अपने जीवन के 100 वर्ष में प्रवेश कर जाएगी। हिरबा मोदी 100 साल की होने के बावजूद भी पूरी तरह से स्वस्थ है। दरअसल हिरबा सालों से अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती है। हिरबा आज भी अपने घर में बिना किसी सहारे के चलती हैं और अपने घर का सारा काम खुद ही करती हैं। हिरबा के खाने की बात की जाए तो वो ज़्यादातर घर की खाना ही खाती हैं। वे खिचड़ी, दाल, चावल जैसी चीज़ें ज़्यादा खाती हैं। उन्हें मीठे में लस्सी, कॉफ़ी पसंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपने जन्मदिन के मौके पर हिरबा के आशीर्वाद के लिए आते हैं तो उनका मुँह भी मिश्री और लस्सी से मीठा कराया जाता है। प्रधानमंत्री जब भी हिरबा के साथ खाना खाते हैं तो सादा ही भोजन रहता है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल और सलाद आदि। हिरबा की उम्र भले ही 100 साल की हो रही हो, लेकिन 6 महीने पहले भी गांधीनगर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में खुद वह स्कूल तक वोट डालने के लिए गई थी और लोकशाही के इस पर्व में खुद हिस्सा लिया था। यहां तक कि कोरोना के वक्त जब वैक्सीन को लेकर लोगों के दिलों में असमंज था, तब उन्होंने खुद वैक्सीन लेकर समाज के सामने एक उदाहरण भी पेश किया था। अहमदाबाद के एक डायटिशियन का कहना है कि 100 साल की उम्र में भी हिरबा की बीमारी को लेकर ज़्यादा कोई खबर नहीं आती है। उनका स्वास्थ्य आम लोगों की तरह ही स्वस्थ है। सादा खाना ही एक स्वस्थ जीवन की निशानी है और वे हमेशा सादा खाना ही पसंद करती हैं, उसमें भी घर का बना ही खाना खाती हैं। हिरबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी बेहद सादगीपूर्ण तरीके से बिताई है। स्वस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके लिए हिरबा एक परफेक्ट उदाहरण है। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।